हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल पी सी एम बी डिजिटल गुरुकुल बेटा नाइन्टीन पॉइंट टू के बाद अभी हम नाइनटीन पॉइंट थ्री फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स पढ़ रहे हैं तो पी सी जो है वो लाइंड होता है बाय सिंपल क्यू वर्डल एपिथिलियम सेल्स जो कि सरफेस एरिया बढ़ाता है रीअब्जॉर्बन का जिसके अंदर सेवेंटी टू एटी परसेंट इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर वगैरह रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं पी एच आयनिक बैलेंस मेंटेन हो जाता है बॉडी का और साथ ही साथ रीअबज़ॉर्ब होने वाले सब्सटेंसेस तो ये हो गए जो ट्यूब्यूल में से वापस जा रहे हैं यानी कि बॉडी की तरफ एच सी और ये बॉडी से टिब्यूल में जा रहे हैं जैसे कि हाइड्रोजन हो गया अमोनियम आयंस हो गए ये जो है बॉडी से टिब्यूल की तरफ जा रहे हैं सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस अमोनियम आयंस पोटाशियम आयंस तो आइडली ये यहाँ पर आएगा पोटाशियम ये काफ़ी टाइम से एन में मिस्टेक चल रही है तो पोटाशियम आयन सिक्रीशन में आ जाएगा हैंनलेज लूप लेप्शन इसमें मिनिमम होती है असेंडिंग लिब ऑफ हैंड लूप में असेंडिंग लिम्ब मतलब कि ये वाला पार्ट ऑफ द लूप ऑफ एनले राइट हाउ एवर दिस रीजन प्ले सिग्निफिकेंट रोल ऑसमलारिटी ऑफ द मेडुलरी रीजन ऑफ किडनीज उसको मेनटेन करने में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है मेडुलरी इंटस्टिशियल फ्लूड जो कि मतलब टिब्यूल्स के बाहर वाला फ्लूड है डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिबल टू वाटर बट इम्परमिबल टू इलेक्ट्रोलाइट दिस कंसनट्रेट्स द फिल्टरेट्स डिसेंडिंग लिम्प जो है वो क्या है परमिबल टू वॉटर यानी इसमें से वाटर निकलता रहेगा वाटर निकलता रहेगा तो इसके अंदर जो सोल्यूट है वो कंसनट्रेट होता रहेगा जबकि असेंडिंग लिम्ब उल्टा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट होगा यानी कि जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाओगे आप असेंडिंग लिप में तो कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट घटती चली जाएगी फिल्ट्रेट मतलब वो स्ट्रक्चर वो सिक्रीशन जो कि टिब्यूल के अंदर है डीसीटी डीसीटी में कंडीशनल रिओब्जॉर्प्शन होती है जब जरूरत पड़ती है तब सोडियम और वाटर के एडीएच वगैरह या एल्डोस्टिरोन के कारण इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिओब्जॉर्शन हो सकती है और हाइड्रोजन और पोटासियम आयंस की सिक्रीशन हो सकती है साथ में अमोनियम की भी सिक्रेशन हो सकती है टू मेंटेन सोडियम पोटेशियम बैलेंस जो मैंने अभी आपको बताया वही इसका मेन फंक्शन जनरली काउंट किया जाता है तो पीसीटी डीसीटी टी ये दिख रहा होगा आपको देन वी हैव कलेक्टिंग डक्ट। दिस लॉन्ग फ्रॉम कॉर्टेक्स तो ये देखोगे आपकी अगर ये कॉर्टिकल पार्ट है तो वहां पर भी कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट है

इंटेस्टिशियल फ्लूड में जो कंसेंट्रेशन है सोल्यूट की वो बनी रहे इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पी एच एंड आयनिक बैलेंस क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट में से भी हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन से करे जाते हैं ठीक है तो ये यूरिया वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया ठीक है एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल आपको नजर आ ही रहा होगा कि कैसे कैसे चीज़ें मूव कर रही हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग अस